अगली खबर में बात करते हैं रीवा जिले की, जहां रीवा किसी क्षेत्र में विकास किया हो या ना किया हो, अपराध और मादक पदार्थों के सेवन में जरूर विकास कर रहा है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का नशा छोड़कर अब कोरेक्स, अफीम, चरस जैसे महंगे नशे भी युवा करने लगे हैं। विगत एक वर्ष से रीवा जिले में हुक्का बार का प्रचलन बढ़ा है। समय समय पर पुलिस ने कार्यवाही की है, लेकिन राजनैतिक संरक्षण प्राप्त बड़े बड़े हुक्का बारों पर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा। गत दिवस मुख्यमंत्री के निर्देश पर रीवा पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जिसमें आधा सैकड़ा से अधिक नशाखोरी के खिलाफ कार्यवाही की गई है, जिसमें कई हुक्का बार संचालक भी फंसे हैं। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि यह कार्यवाही कब तक जारी रहती है और कितना सफल होती है। की गई कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह कार्यवाही शुरू की गई है। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर सूचना देने वालों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी और मादक पदार्थों का सेवन और विक्रय करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। मेरा रीवा सुरक्षित रीवा नाम से हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। उक्त नंबर 9479997171 है, जिस पर किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ, कोरेक्स, गांजा, अवैध शराब एवं संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दी जा सकती है। हालांकि पहले भी कंट्रोल रूम में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने इस तरह की जानकारी देने के लिए बॉक्स लगवाया था, लेकिन शायद पुलिस उस बॉक्स को खोलना भी भूल गई है। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने क्या अपील की है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में कल शाम से हम लोगों ने विशेष अभियान प्रारंभ किया है, नशा मुक्ति का यह अभियान। इसके तहत जितने भी कोरेक्स, गांजा, अवैध शराब की जानकारियां हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ हुक्का बार को भी टारगेट किया गया है, और साथ ही जो भी शराब दुकान के बाहर खड़े होकर या अन्य किसी स्थल पर बाहर खड़े होकर शराब पीते हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कल शाम की कार्रवाई में काफ़ी संख्या में इस प्रकार के केसेस बने हैं। हमारा टारगेट है कि आज भी हमारे सभी थाना स्टाफ लगातार इस पर लगकर कार्रवाई करें। इसके लिए हमने एक और प्रयास भी किया है। कई बार हम देखते हैं कि आम जन भी काफ़ी जानकारी रखता है परंतु वो पुलिस के पास पहुंच के दे नहीं पाता या देने में विलम्ब हो जाता है। इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है 9479997171। ये हेल्पलाइन नंबर को हम लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित कर रहे हैं। इस पर जो भी व्यक्ति सूचना देगा उसका नाम और नंबर गोपनीय रहेगा और तत्काल हमारी टीम कार्रवाई के लिए थाने को भेजेगी। अगर थाना स्तर पर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग स्पेशल टीम लगाई कार्रवाई कराएंगे और जनता की प्रत्येक सूचना को तस्दीक किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। इसका काफ़ी सहयोग हमको इसमें मिलेगा। होटल लॉज भी चेक किए जाए, जैसा कि आपने देखा इस क्रम में कई बार हम देखते हैं कि कई लोग बिना लाइसेंस के, बिना बार लाइसेंस के भी अवैध शराब का वहाँ पे कार्रवाई करते हैं, कारोबार करते हैं, उसको देखते हुए उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है।